विद्युत द्विध्रुव
इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर का दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था ए जिस पे हमने माइनस टू चार्ज अप्लाई किया था एंड सेकंड पॉइंट था हमारे पास बी जिस पे प्लस टू चार्ज अप्लाई किया था। इन दोनों के बीच का पॉइंट कितना हो जाएगा मिड पॉइंट ओ, तो ए से ओ तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास ए एंड ओ से बी तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास बी। तो दोनों के पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टू ए, मतलब क्या लेना कि दो बराबर ए तो आवेश ओके, तो दो बराबर एवं विपरीत आवेशों निश्चित दूरी का बना निकाल ये सिस्टम कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर इसमें आता है आपके पास विद्युत आघूर्ण, सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपके पास विद्युत आघूर्ण जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये भी क्या इसी की तरह सेम है, क्या होता है कि जस्ट अभी हमने क्या लिखा था कि हमारे पास दो पॉइंट थे ओके, दोनों पे चार्जेस थे और दोनों की डिस्टेंस कितनी थी फिक्स थी 2a। तो हमने क्या बोला था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बना सेपरेशन की डिस्टेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि दो बराबर एवं विपरीत आवेशों तथा उनके बीच की निश्चित दूरी से बना निकाय हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब हमारे पास आता है द्विध्रुव आघूर्ण, तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने क्या देखा था कि यहाँ पे भी माइनस टू चार्ज था ओके और यहाँ पे प्लस टू चार्ज था, चार्ज तो दोनों में सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है। तो हमने कहा था किसी भी एक पॉइंट का चार्ज तथा दोनों पॉइंट की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले हमने इसको पी से शो करते हैं, हमने लिखा पी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं किसी भी आवेश का परिमाण, क्योंकि आवेश ये भी तो दोनों का परिमाण समान है बस उनकी डायरेक्शन चेंज रहेगी। हमने क्या लिखा किसी भी आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम शो करते हैं पी, पी से पी इक्वल टू लेकर क्यू इंटू टू ए। अब हम कहते हैं यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण किसी राशि है वेक्टर राशि है। अब आप बोलोगे कि वेक्टर राशि कैसी, इसके हम डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा चलती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, कैसे चलेगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की। इसका एग्जाम्पल आपको बताती कि मान लो कि हमारे पास दो पॉइंट दे के रखे हैं, एक हमारे पास पॉइंटर ए दिया हुआ है एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास बी है, ए पे माइनस क्यू चार्ज है एंड बी पे प्लस क्यू चार्ज है, तो हम दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास टू ए। तो हम क्या कहते हैं जब भी हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स प्रोड्यूस होती होती है हमेशा माइनस से प्लस क्यू प्रोड्यूस होती है ओके, और प्लस से माइनस क्यू हो जाती है, तो वो जाती कहाँ से माइनस क्यू हाउस से प्लस क्यू हाउस में, इस तरह से व्यक्त कर जाइए जब भी इसकी दिशा डिसाइड करेंगे कैसे रहेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू के। तो क्या बोल सकते हैं विद्युत आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके डायरेक्शन कैसे शो करेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ओके। अब देखते हैं कि इसकी कोई ना कोई यूनिट भी होगी, तो हमारे पास क्या है p इक्वल टू q इनटू 2 है, क्योंकि हमारे पास q चार्ज है जिसका हमारे पास यूनिट कितनी हो जाएगी कूलम इनटू a, हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, इसके बाद हमारे पास मीटर यूनिट कितनी जाएगी मीटर, मतलब हमारे पास डाइपोल मोमेंट की यूनिट कितनी जाएगी कूलम इनटू मीटर। ये हो गए, ये तो हुई इसकी यूनिट की बात। अब हम देखते हैं इसका डायमेंशन फार्मूला, तो p इक्वल टू कूलम का विनी सूत्र का हमारे पास a t और मीटर का हम शो करते हैं एल से, इसको हम क्या लिख सकते हैं p इक्वल टू एम जीरो ए टी ए, इस टाइप से भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं ए टी ए ओके। तो सिंपल से बात होती है कि डाइपोल मोमेंट मतलब किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की गुणनफल को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, जिसको हम शो करते हैं पी से। सेकंड पॉइंट हमने लिखा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे शो करेंगे, तो ये हमेशा कैसे होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू के, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो हमेशा करेगा कहाँ से करेगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ये देखा हमने। सेकंड देखते हमने इसका यूनिट, इसकी यूनिट कहते हैं क्यू के होते हैं हमारे पास कूलम, ए डिस्टेंस उसको हमने मीटर में मीटर क्या दीजिएगा कूलम इंटू मीटर क्षेत्र की तीव्रता।
तीव्रता, अब हमारे पास हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो निकलती है आपके पास दो पॉइंट में, एक तो निकलती है आपके पास एक्सियल पोजीशन में एंड सेकंड निकलती है हमारे पास इक्विटोरियल पोजीशन, या बोल सकते हैं उसको नॉर्थ एक्सियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन, और इसी को हम कह सकते हैं नॉर्थ एक्सियल पोजीशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सियल पोजीशन होती क्या है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कोई फॉर एक ए बी डाइपोल दिया हुआ था, हमारे पास E1 = 1/4 pi epsilon 0 के q / r - a
माइनस ए का होल स्क्वायर, कहां से माइनस, कौन सा डायरेक्शन है, बी से पी की ओर। अब करेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के क्यूब अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर के लिए। फिर किसके टेस्ट पे हमने देखा था कि बिंदु आश्रय विद्युत तीव्रता से हमारे पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास अगर डिस्टेंस कितनी पॉइंट बी से पी तक की आर माइनस ए, तो हमने लिख दिया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। किस डायरेक्शन थी, बी से पी की ओर, हमने लगा दिया बी से पी की ओर। अब निकालने के हम माइनस क्यू आर से कारण पॉइंट बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने लिखा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक फिर हमारे पास ई टू इक्वल वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। कहां से माना कि थी a से पर b तक की, हमने लिखा a से b तक की, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 6 में। फिर इसको हम अब निकालते हैं हमको परिमाण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या देखते हैं कि e1 की वैल्यू परिमाण में बराबर, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट b के पास में है, और e2 की वैल्यू परिमाण में कम है, क्यों, क्योंकि वो पॉइंट माइनस टू चार्ज से वो कम है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशाएं समान है लेकिन वो परिमाण में कैसा है, e1 ज्यादा और e2 कम हो जाएगी। तो रिजल्ट आंसर देगा e इक्वल टू e1 माइनस e, वेक्टर शो करते हैं। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर में इक्वेशन नंबर 1 और 2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब, इवन की वैल्यू तो हमारे पास r माइनस a होल स्क्वायर माइनस e की वैल्यू तो हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। सिस्टम में क्या रहेगा कि u अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में कॉमन है, हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया है u अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास इक्वेशन है e इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, एलसीएम में क्या रहेगा a स्क्वायर माइनस एक्स का
और इस जो हमारे पास एक क्वेश्चन है q into 4 r a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, equal to 2 q into a into 2 r upon 4 pi epsilon 0 k r square minus a square का और इस इक्वेशन को के लिए भी जैसे अभी हमने देखा था डायपोल मोमेंट होता क्या है, e equal to q into 2 a टू इंटू टू ए, तो टू क्यू इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं ऐसे, तो हमने लिखा पी इक्वल टू, इसको लिखा हमने पी, बचा क्या हमारे पास टू आर फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के, यह बचा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ऑलरेडी हमारे पास पूरा डायपोल ए भी था, उन दोनों के डिस्टेंस हमारे पास 2a थे, मतलब जो ये 2a डिस्टेंस है वो r की कंपेरिजन में क्या होती छोटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे हम इसको सेपरेट करते हैं तो a से o तक की डिस्टेंस थी हमारे पास a और o से b तक की डिस्टेंस थी हमारे पास a, मतलब ये रही ये टोटल डिस्टेंस के कंपेयर में क्या हो जाएगी, बहुत ही लेस देन हो जाएगी कम हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि r इज ग्रेटर देन a, मतलब क्या कर देंगे हम a स्क्वायर को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, e equal to 2p r, इसको ऐसे लिखते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 k 2p r, इसको हमने 0 मान लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा r square का whole square, इसको तो हमने 0 कर दिया, तो क्या बचेगा हमारे पास r square a square, मतलब r की पावर 4, हम इसको लिख सकते हैं r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 k 2p upon r cube, इसका न्यूटन मिलेगी, न्यूटन अपान कूलर, क्योंकि हम इसको कैसे मुझे भी लगता है डाई इलेक्ट्रिक, तो वापस k की वैल्यू क्या कर देंगे हम बंद कर देंगे, तो k की वैल्यू बंद करें तो हमारा सिचुएशन क्या बनेगी, e equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2p upon r cube, ये जो हमारे पास न्यूटन अपान कूलर, मतलब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई यदि कोई डायपोल ए बी उसी एक्सिस के पॉइंट पे रखा हुआ तो उस पे विद्युत क्षेत्र की वृद्धि रहेगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 पी अपॉन आर क्यूब न्यूटन अपॉन कूलम। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट टाइम पे एनपी कोड में अक्षीय स्थिति में और विलक्षण स्थिति में क्वेश्चन आती रहता है, तो आप प्लीज इसे ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में मेंशन